मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूरू गैंगरेप मामला, शक की बुनियाद पर कुली कार्मिक गिरफ्तार। मैसूरू में DGP प्रवीण सूद ने जानकारी दी है कि इस मामले से जुड़े 5 लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक फरार हुआ है। तमिलनाडु राज्य के मैसूरू सरहद पर रहे तिरुपुर मूल निवासी होने की बात पता चली है। इन लोगों ने पीड़ित युवती और उसके दोस्त से 3 लाख देने की मांग की थी, जो शुरुआती जाँच में बात पता चली है। पीड़ित अभी भी सदमे में है, उससे जानकारी नहीं ले सकते और उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, वो भी बात करने के लायक नहीं है। इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को 5 लाख नकद बहुमान की घोषणा की है DGP प्रवीण सूद ने। KRS डैम को पहुंची केंद्र जल शक्ति विभाग अधिकारियों की टीम। कई दिनों से मंडिया जिले में रही KRS डैम में दरारें पड़ने की शिकायतें मिली थी, जहां पर सांसद सुमुलता और पूर्व CM कुमार स्वामी ने दौरा करके केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी थी। इसी जानकारी के आधार पर केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के कार्यदर्शी दिवोश्री मुखर्जी के नेतृत्व में डैम का जायजा लिया गया। भारी बारिश कई जगहों पर गिरे दरख्त। बेंगलुरु शहर के कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, जिससे विशाल दरख्तों का गिरना और कई जगहों पर बारिश का पानी भर जाने से वाहन सवारों को सफ़र करने में बड़ी रुकावट पैदा हुई है। शहर के RR नगर, अंजनपुर, बेगूर, यलहंका, विद्यारायणपुर, महादेवपुर सहित कई इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है। अधिकार रहे या न रहे, 24 घंटे जनता की सेवा करूंगा, पूर्व CM येडियुरप्पा। CM पद से इस्तीफा देने के बाद अपने क्षेत्र को पहुंचे पूर्व CM येडियुरप्पा अपने निवास में कार्यकर्ताओं की सभा में कहा कि अधिकार रहे या न रहे, 24 घंटे जनता की सेवा करूंगा। गणेश त्यौहार के बाद हर जिले में पहुंचकर पक्ष संगठन को जोड़ने का काम करके आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत करके पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाना ही मेरा लक्ष्य है, कहा येडियुरप्पा ने। लारी को बीच रास्ते में रोककर जंगली हाथी की शैतानी। चामराजनगर के बाहरी इलाके में रहे NH पर गन्ना भर के ले जा रही लॉरी को जंगली हाथी रोककर गन्ना ले जाने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों तक हॉर्न बजाने से भी नहीं हटा ये जंगली हाथी, अपना पेट भरने के बाद ही वहां से अपनी जगह खाली की। बच्चों को कूली काम के लिए ना भेजे पोषक, ढिंडोरा पीट के दी जानकारी। बल्लारी जिला करुगुड़ू तालुका के गांव के सरकारी स्कूल में 9 से 10वीं कक्षा के 184 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बावजूद भी कुछ ही छात्र आ रहे हैं स्कूल। इस समस्या को देखते हुए SDMC और मुख्य शिक्षकों ने हर गली में जाकर एक व्यक्ति के जरिए ढिंडोरा पीट के कहा जा रहा है कि बच्चों को कूली काम के लिए भेजा गया तो जुर्माना लिया जाएगा माँ बाप से। भारी बारिश, NH पर रहा पुल डूबा पानी में। बेलगाम जिला बैलहुंगल तालुका के आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते बैलहुंगल से 6 गांवों को जोड़ने वाला NH पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे कई लोग अपने गांव को न जाने से पुल के किनारे ही रुककर पानी कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि आगे आकर जनता की मदद करने की गुहार लगा रहे हैं ये दुखियारे। असंगठित कार्मिकों के लिए सरकार ने दी खुशखबरी। CM बसवराज बोम्मई ने एक निर्णय लिया है कि असंगठित कार्मिकों को ई शर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें रोजगार की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, हेल्थ और एजुकेशन जैसे कई योजनाओं के जरिए उनकी मदद की जाएगी। राज्य में 1,08,00,000 कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य है, कहा CM बसवराज बोम्मई ने।
अत्याचार करने वालों में डर पैदा हो ऐसा कानून लाया जाए। के एस ईश्वरप्पा। शिमोगा में ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि अत्याचारी करने वालों में डर पैदा हो ऐसा कानून लागू करने की चर्चा कैबिनेट में की जाएगी। गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र अत्याचारियों को दबोचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कहा ईश्वरप्पा ने। क्या सच में गृह मंत्री इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि कल ही उन्होंने एक बयान दिया था कि लड़कियां शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें, जो एक गैर जिम्मेदार बयान है, कह रही है जनता। समाज में अत्याचार की घटनाएं होना आम बात है। उमेश कत्ती का बेतुका बयान। राज्य फूड और फॉरेस्ट मंत्री उमेश कत्ती, जो रोजाना कोई ना कोई बयान देकर जनता के आक्रोश का कारण बनते ही रहते हैं, आज उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है कि समाज में अत्याचार होना आम बात है। मैसूर में हुआ अत्याचार नहीं होना था, लेकिन हो गया। सरकार जल्द इससे पर लगाम लगाएगी। इस मामले पर सफाई देने वाला मैं कोई गृह मंत्री नहीं हूं, कहा उमेश कत्ती ने, कहते हुए इतनी बड़ी बातें कर डाली। गुलबर्गा में वीकेंड कर्फ्यू उल्लंघन हुआ तो लॉकडाउन जारी किया जाएगा, डीसी की चेतावनी। गुलबर्गा जिला अधिकारी वीवी ज्योत्सना ने कहा कि जिले में पालिका चुनाव सर पर है, साथ में वीकेंड कर्फ्यू का भी जनता को पालन करना होगा। चुनाव की आड़ में कर्फ्यू उल्लंघन किया गया तो लॉकडाउन लगाने की सख्त चेतावनी दी है जिला अधिकारी वीवी ज्योत्सना ने। कोरोना के बीच आज से राज्य भर में सीईटी परीक्षाएं। आज से 3 दिन राज्य भर में सेकंड पीयूसी साइंस विभाग में पास हुए स्टूडेंट्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला पाने के लिए सीईटी परीक्षाएं चला रही है सरकार। राज्य भर में 530 एग्जाम सेंटर मौजूद हैं, जिसमें 180 बेंगलुरु में ही मौजूद हैं सेंटर। 2892 स्टूडेंट्स कोरोना की इस मुश्किल दौर में अपनी परीक्षा देकर अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनके लिए हमारी भी शुभकामनाएं हैं। नकली मार्क्स कार्ड। पंजाबी पति पत्नी को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु सीसीबी ने कार्रवाई करते हुए पंजाबी पति पत्नी, जो पैसे लेकर किसी भी कोर्स और यूनिवर्सिटी से नकली मार्क्स कार्ड तैयार करके 500 से ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं, इन्हें सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार करके सीवी रमन यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को नोटिस दिया है कि क्या सच में ये यूनिवर्सिटी से इनका कोई ताल्लुक है। तरकारी के साथ गांजा बेच रहे 3 लोग गिरफ्तार। चिकमंगलुरु सैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तरकारी की टेम्पो में गांजा सप्लाई कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार करके 102 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों के इस काम पर चिकमंगलुरु एसपी अक्षय ने नकद बहुमान की घोषणा की है इन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।